Now we have to रिलेशन पता है 1 मीटर क्यूब
is equal to 1000 meters. जितने को सुन रहे होंगे उसको सुन रहा होगा, बाकी तो क्या पता मुझे क्या लेना देना। नाउ बेटा 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter। व्हाट इज 1 kiloliter? इट इज इक्वल टू 1000 liters। सो इट मींस 1 meter cube इज इक्वल टू 1 kiloliter। तो जो भी मीटर क्यूब में तुम्हारा आंसर आएगा वही आंसर इन किलोलीटर, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस, डायमीटर इज दिस, फाइंड द हाइट्स एंड हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। वेरी इजी, बहुत इजी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ राइट ट्राइंगल एबीसी, बस एक ये आज का ही दिन है, तुम फ्री बैठे हो, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा करवाने हैं, फिर वो तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, अ राइट ट्राइंगल एबीसी विथ साइड 5, 12 एंड 13, तीन साइड्स गिवन है, तो उसमें से जो हाईएस्ट साइड होती है दैट इज ऑलवेज द हाइपोटेन्यूज। इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12, इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड, मतलब जब जो चीज रिवॉल्व कर रही है साइड 12, ठीक है, मतलब ये हमारा जो सेंट, यहां से सेंट इसको घुमाया, इसके अलोंग घुमा रहे हैं साइड 12, तो दूसरी वाली रेडियस, चिल्लाओ मत, चुप करो, हम नहीं, स्मॉलेस्ट नहीं, हाईएस्ट हाइपोटेन्यूज होगा। उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जो ट्रायंगल है वो किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, 12 सेंटीमीटर, जिसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो वो होती है हाइट। तो दूसरे वाली बेस रेट हो गया, इसको घुमाएंगे जब तो कौन बनेगा, दिस विल बी द हाइट एंड दैट जो हमारा ट्रायंगल का बेस है दैट विल बी दी, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1/3 πr²h, बस इसमें ये ध्यान रखना है रेडियस कौन सा, हाइट कौन सा। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहते हैं, अ ट्रायंगल ऑफ थ्री डायमेंशन, दिस थ्री डायमेंशंस ओनली इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5। अब अगर 5 है तो ये 5, ये 12, 13 इज फिक्स्ड। नाउ हियर द हाइट इज 5 एंड रेडियस इज 12 एंड देन यू कैन फाइंड द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, वो पूछी हो तो, वैसे तो इस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन और 8 की कंबाइन क्वेश्चन आते नहीं है वैसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आ भी सकते हैं कि पहले वॉल्यूम निकालो जब व्हेन द ट्रायंगल इज रिवॉल्विंग अराउंड 12 सेंटीमीटर, फिर निकालो जब वो 5 सेंटीमीटर के रिवॉल्व कर रहा है, फिर रेशियो, बट ऐसा बहुत कुछ है डालने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या हुआ बेटा, फटाफट से कर रहे, इजी क्वेश्चंस है, इसमें कुछ मुश्किल थोड़ी है। रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम हाइट गिवन है, रेडियस निकालो, वेरी इजी क्वेश्चन दे यार। तो कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी है, जो ऐसे आप 15 मिनट बैठो, नहीं हाँ इजी है, अगर आपने किए हैं तो इजी है, अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, ठीक है। टेंथ में जब जाते हो ना ऐसे, ये जो फिगर वाले क्वेश्चन है उसमें है कि एक फिगर के ऊपर ये है, सबमर्ज्ड है फिगर्स, ट्रायंगल के ऊपर स्फीयर, स्फीयर के बीच में सिलेंडर, कुछ भी ऐसे, उसमें आपने क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है, उसमें आपको समझना होता है कि आपने कौन सा एरिया निकालना है, किसको माइनस करना है, ऐसे। नाइन्थ के लेवल तक इजी है, अगर एक्स्ट्रा भी आएंगे तो वो फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न है तो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज दिस एंड हाइट इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले तो वॉल्यूम निकल जाएगा, अब इसमें ध्यान क्या ध्यान ध्यान देने वाली चीज है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, तो गिवन है हमें डायमीटर, डायमीटर को रेडियस लेके मत सॉल्व कर देना, फिर उसका सिर्फ हाफ फॉर्मूले का आधा नंबर बाकी जीरो। तो रीड, जैसे हमें मान लो क्वेश्चन पढ़ लिया, कई बार दिस हैपेंस कि हाँ हम वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, क्यों हो आता है, ये तो बहुत ईजी है, एंड बाई मिस्टेक यू टेक द डायमीटर एज रेडियस ओनली। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम कि हम तो ऐसे नहीं कर सकते, बट यू पीपल ओनली डू, सम ऑफ यू, सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है।
बाद में ओ हो करने का तो कोई फायदा नहीं है ना। देन वॉल्यूम निकल गया। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। कौन का बेटा? हाँ जी, कब सरफेस एरिया, क्योंकि क्या बनाया है उससे? हीप ऑफ अ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। तो हीप कोनिकल हीप है जो कैनवस से उसको कोनिकल बनाया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वही हो गया हाँ, कि कैनवस से हमने टेंट ही बनाया एक तरह का, कोनिकल हीप को कवर किया है। हाँ, पाई आर एल, आर गिवन है, एच गिवन है, एल निकालोगे फिर उससे आप निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ लास्ट एक्सरसाइज, इट इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। यस, दिस इज कौन है, ये नया बच्चा आया, हरनूर जी, फॉर्मूले लर्न है, कुछ याद है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? फॉर्मूला बेटा लर्न करो हरनूर, कल स्कूल आना है। ठीक है, कल मैं सारे फॉर्मूलाज आपसे अलग से लिखवाऊंगी सारे। ठीक है सक्षम, आप भी जिस कीरत आएगा उसको बता देना, जिसका भी मूड, जिसका मेरा मन करेगा, जिसका भी उसको मैंने मैंने बोलना है कि आप सारे फॉर्मूलाज लिखो, आप दोनों ने तो लिखने ही है। ठीक है, तो लर्न द ऑल द फॉर्मूलाज। एक गलत फॉर्मूले पे दो थप्पड़। हरनूर हरनूर, ठीक है, एंड डोंट टेक इट एज अ जोक। Learn the formulas. Don't waste the time. Learn the formulas. Okay. So volume of the sphere. Again, I have told you volume में हमेशा चुप करो। Volume में क्या होती है? तीन चीजें, मतलब volume में ये sphere की बात कर रहे हैं तो सिर्फ radius है। तो 4/3 πr³। इस तरह से रट्टा लगाओ कि अगर पावर में 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर रेजा? आपसे नहीं बात हो रही, स्फीयर का एरिया बोल बेटा। जशन क्या हो रहा है, ये पागल समझा मुझे? व्हाट डू यू थिंक? It's okay, beta. If you want to help, it's okay. I also want to help my students, but not this way. Area की बात होती है तो ये कुछ कुछ चीज ध्यान रखो। Area is always two dimension. तो square आएगा, cube नहीं आएगा। 4/3 is a number. Pi 22/7, that is also a number. ठीक है? तो रेडियस ही आता है स्फीयर में। अगर वॉल्यूम है तो 3 रेडियस होंगे, और पावर में 3 है तो डिनोमिनेटर में भी 3। ठीक है, एरिया है तो 2 डायमेंशंस है, इट मींस आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो कुछ डिवाइड नहीं होता। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2/3 πr³। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर? हाँ मुझे पता बेटे, अच्छी बात है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 17, रेडियस इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18, अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the short put. Mass of the short put आप यू ऐसे समझ सकते हो कि short put ball, जो heavy ball होती है ना लोहे की metal की, वो उसको that is in the form of a sphere. Radius given है, आपने mass निकालना है। Mass होता है volume into density. Mass मतलब weight, एक तरह से समझ लो कि जो इतनी हैवी वेलर वेट है, बॉल है, स्फीयर है, मेटालिक बॉल, उसका अगर कितने सारे मेटल से बनेगी वो, अगर थोड़े से मेटल 1 cm³ मेटल का वेट कितना है 7.8 ग्राम, तो जो वो सारा मेटल जिससे वो स्फेरिकल बॉल बनेगी उसका मास कितना है? तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम इज 4/3
pi r cube because the ball is spherical. Radius is given 4.9 centimeter that you will put. Now here is all about the calculation. ठीक है, calculation है. Approximate answer फटाफट से calculate आपने करना है. Then mass of 1 centimeter cube is 7.8 gram. Whatever centimeter cube you will get, you will whatever you will multiply it with that and you will get the answer in grams. Here in book they are giving the answer in kilograms, but question में नहीं पूछा, so you can leave the answer in grams also. ये जरूरी नहीं है, grams में भी कर सकते हो. SI unit kg है, but जरूरी नहीं है. आप कर दोगे तो it is okay. नहीं भी करोगे then also it is okay. Because it is not asked in the question, find the mass in SI unit. ठीक है ना? वैसे साइंस में अगर आपको कहते होंगे कि SI यूनिट में आंसर देना है तो इट इज फाइन, बट इफ यू गिव द आंसर इन ग्राम्स आल्सो देन आल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स. राइट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेड बाउल हैज अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वॉटर इट वुड कंटेन. अगेन सो इजी क्वेश्चन को पढ़ना है. फिगर क्या है? हेमिस्फीयर है, स्फीयर है. हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की जगह स्फीयर का फॉर्मूला लगा दोगे फिर भी जीरो ही मिलेगा. सो द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज टू लर्न टू क्रैम. उसको रट्टा लगा लो, फिक्स होने चाहिए जो फॉर्मूला बोला है वो, उसका वो सही आंसर हो, उसका गलत मलत नहीं. तो ये चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है, आपके अगर फॉर्मूले का रट्टा लग जाएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा चैप्टर. बट अगर फॉर्मूला कैसे करते रहोगे बेवकूफों की तरह, फिर कोई नहीं हेल्प कर सकता. अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन सोचे जाओ पागलों की तरह, फिर कोई नोबडी कैन हेल्प. क्योंकि इसका मतलब आपने उसके उसको अच्छे से मेमोरी में अपने रिटेन नहीं किया, रट्टा नहीं लगाया उसका. बोल तू जो से मर्जी कर ले, मेरे को तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि लर्न कर लो, चाहे फिगर बना के करो जैसे मर्जी करो. मेरे मतलब है लर्निंग से. नहीं बेटे, टाइम वेस्ट नहीं होता. जब आप एक बार अच्छे से लर्न करते हो ना चीजों को तो तुम्हें याद हो जाती है वो. ठीक है, फिगर को इमेजिन करो कि अगर सपोज सिलेंडर है. ठीक है, फिगर सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो जो हम FEV करते होते थे ना, faces, edges, vertices, वो फिगर को अज्यूम करके लिख सकते हैं. ठीक है, बट जो फॉर्मूला है वॉल्यूम है, कर्व सरफेस एरिया है. कर्व सरफेस एरिया से आप फिगर को अज्यूम करके सिर्फ ये सोच सकते हो कि उसके साइड वाला फॉर्मूला थोड़ी आ सकता है उसको अज्यूम करके फिगर से. वो तो लर्न किया हुआ है ना तुझे, इसलिए आता तुझे कमनूर, क्योंकि तूने उसको लर्न कर लिया. अब तुझे वो अच्छे से तेरे माइंड में लर्न है, इसलिए तो उसको बोल सकता है 2 पाई आर एच, टोटल 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच बिकॉज यू हैव लर्नड. बेटा वो इतना नहीं ना सोचना, हमारे बच्चे इतना नहीं सोचेंगे ना, हमें सीधा सीधा लर्न करना है फॉर्मूला. नेक्स्ट, फर्स्ट टू इज इजी. अच्छा ये देखो सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर. डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. अब इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ स्फेरिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल. एक कोई भी कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमने सॉलिड भारी बॉल को डाल दिया, वो कंटेनर फुल है. ठीक है, मान लो हमने जब वो सॉलिड बॉल डाली, पानी बाहर आएगा. अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, या आधी भी भरी है अगर तो वॉल डालेंगे वो पानी ऊपर आ जाएगा. इसका मतलब वाटर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस मतलब कितनी हमने उसका पानी की, या बाहर आता है तो कितना पानी बाहर आता है. डिस्प्लेस मतलब उसकी प्लेस चेंज हुई है, तो इसका मतलब कितनी वाटर की प्लेस चेंज हुई, जितना उसका वॉल का वॉल्यूम है. ओके, ना कि इसमें जितना उसने एरिया कवर किया, जितना उसका वॉल्यूम है उतना पानी डिस्प्लेस हुआ. इट मींस इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज दैट ऑफ द एग्जांपल. डायमीटर इज गिवन, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी इज गिवन पर सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द मास ऑफ द बॉल. ओके, ये ऐसे ही रिवीजन होनी है बच्चे,
अगर डायमीटर लिखूं बोलूं ये करो फिर तो बस तीन चार सम होंगे एक चैप्टर में एक पीरियड में. दिस इज ओनली द वे टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट इज गिवन व्हाट इज टू बी फाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon. same question area mein hai. diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the similarly radius of moon is 1/4 of radius of earth. agar surface agar area pucha hai sphere ka area same rehta hai total surface area 4 pi r square. agar area pucha aapko pehle bhi har baar batati hu main. अगर एरिया पूछा है तो जो पहले लिखा है उसका एरिया ऊपर. जैसे उसने मून पहले लिखा है तो मून का एरिया जो भी पहले जैसे इस क्वेश्चन में एरिया में जो भी लिखा है अर्थ पहले लिखा है तो अर्थ का एरिया एरिया ऊपर आएगा. व्हाट इज द रेशियो द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली डायमीटर 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ लिखा है ना. और पीछे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया. मून पहले लिखा है इसने हमने मून के मैं बोल रही हूँ बेटा बोल रही हूँ पूरा बोलने दो. तो एरिया में जो कुछ भी है अगर एरिया लिखा है तो जो वर्ड पहले लिखा है उसका एरिया पहले आएगा. बात खत्म. वॉल्यूम में जो चीज छोटी होती है वो न्यूमिरेटर में. जैसे यहाँ लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून. पहले क्या लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ का वॉल्यूम आपने नीचे लेना है ऊपर लेना है सॉरी. बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द मून सो वॉल्यूम ऑफ द मून विल बी टेकन इन द न्यूमरेटर. ये बात समझ में आ गई कि नहीं जशन? ठीक है. क्योंकि वॉल्यूम है सो डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ मून इज ऑल्सो 1/4 द रेडियस ऑफ द अर्थ. Now required ratio is the volume of the moon over volume of the earth. 4/3 pi. करो जरा सॉल्व. कॉपी कॉपी है खोली हुई करो चलो. हाँ ये ले ठीक है. हाँ जीरो ही मिलने थे बेटे बट गलत नहीं ना होता. जब मैं सॉल्व करती हूँ मुझे पता चल जाता. अगर मान लो आपने यहाँ स्क्वायर लिख दिया और सारा क्वेश्चन आगे सही है तो आधे नंबर कटेगा या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं. की पॉइंट बेटा. सो ये वॉल्यूम हो गया. अब हमारे पास क्या बचा R m cube over R e cube. We have to find the ratio. Now from here we can write 4 को इधर ले जाएंगे. 4 R m is equal to R e. Means जहां पर R e है वहां पर क्या फिल करेंगे 4 R m. आर एम क्यूब इज इक्वल टू 4 R m whole cube. ये ध्यान रखना. आर एम क्यूब इज इक्वल टू 64 R m cube. इट्स ओके 1/64 सबको पूरे नंबर ही मिलेंगे. वैसे 1/64 प्लीज कीप क्वाइट दिव्यांशी प्लीज बेटा. डोंट डिस्कस डोंट आर्गू अबाउट दिस स्मॉल थिंग्स. इट्स ओके 1/64 दिव्यांशी बुक में 1/64 ही है. अच्छा ठीक है बेटा ठीक है चलो अगला क्वेश्चन. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.75 मीटर होल्ड. इजी क्वेश्चन दिस क्वेश्चन सच बैक वेरी वेरी इजी. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट कम. डायमीटर की बनाने का कुछ थोड़ा सा ध्यान में देंगे कॉस्ट देंगे डेंसिटी देंगे कुछ भी देंगे है ना.
ये इसमें सिंपल वॉल्यूम निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. आप सॉल्व करो बेटा खुद, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक. इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर फाइन. दिव्यांशी आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना बेटा क्लास को. फिर यू नो वन ऑफ द सेक्शन ऑफ 9th क्लास, ठीक है, द टीचर हैज नॉट डिस्कस्ड ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने बोला एनसीईआरटी के खुद करो, मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगी. आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद यू सो एज टू कि मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि हमने एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी इज द मोस्ट टॉप, पहले प्रायोरिटी वही है. हाँ जी, वही आपको प्रोपोर्शनेट प्रॉब्लम बताया था कि मान लो अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम में से 4 क्वेश्चन आते हैं तो 3 एनसीईआरटी में से आएंगे, 1 बाहर से. तो इसीलिए एनसीईआरटी रिवाइज हो रही है, कोई भी टीचर पेपर सेट करे उन्होंने ऐसे ही पेपर सेट करना है. आप लोगों को लगता है बहुत ईजी है, फिर कर लो, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ एंड आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी टू. आता है बहुत अच्छी बात है, सुन लो दोबारा से, नहीं सुनना तो मतलब सुनो. आता है अगर a hemispherical tank is made up of an iron sheet, देखो there is a tank, a hemispherical tank, पता नहीं क्या बन गया the radius is 1 meter and the thickness is given in 1 centimeter, so we can change the radius in centimeter, this is 100 centimeter and the thickness, ये जो thickness है, ये सारी इसकी जो thickness है, ये कितनी है? 1 centimeter. So the small r is 100 centimeter, capital R is 101 centimeter. कल भी करवाया था, वो एरिया वाला था क्वेश्चन. इसमें क्या है, कहते find the volume of the iron used. कि जो ये हेमिस्फेरिकल बाउल बना है, ठीक है, उसमें जो आयरन लगा है, आयरन से वो बना है बाउल, उसमें कितना आयरन लगा है, पूरा आयरन, मेल्टेड आयरन है, मैंने उसको लिया, उसको हेमिस्फेयर बना दिया, समझ गए. तो वो जो आयरन है वो कितना लगा है, क्या करोगे, रेडियस निकाल लिए, पहले आउटर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 4/3 pi R³. वॉल्यूम ऑफ द आयरन इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, 4/3 pi R³ माइनस 4/3 pi r³ विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड. हाँ, कॉमन लेके ही करना है, कॉमन लेके ही करना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इट्स ओके, लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 8 सुनो, मैंने कल एनसीईआरटी नहीं पिक करनी. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस. इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 per square meter, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम. गिवन क्या है कि डोम को अंदर से हमने पेंट किया है, अंदर से डोम को पेंट किया है, टोटल कॉस्ट दी है और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, पहले भी किया है. अगर टोटल कॉस्ट से, दिस इज द टोटल कॉस्ट एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया. क्योंकि किसको पेंट कर रहे हैं, हमारे ऊपर, क्योंकि किसको पेंट कर रहे हैं, डोम के इन द फॉर्म ऑफ इनसाइड, अंदर से उसको पेंट करें, समझ आ गई. यहां से आपके पास क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर दैट इज 2 pi r² यहां से r निकल जाएगा. देन यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम दैट इज 2/3 pi r. इट मींस क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, सक्षम सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम,
हेमिस्फेरिकल डोम मींस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। लेकिन मुझे रेडियस नहीं गिवन, मुझे ये गिवन है कि एक डोम को अंदर से मैंने पेंट किया तो टोटल इतनी मनी ली और इतने से एरिया को पेंट करने के लिए 2 रुपए लगे। टोटल से पर मीटर स्क्वायर के एरिया को डिवाइड करेगा तो तेरे पास ये सारा एरिया आ जाएगा अंदर वाला। ये एरिया कितना है 2πr², जिसकी एक वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करके, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पाई की वैल्यू डाल के, आपके पास क्या आएगा रेडियस। जब आपके पास रेडियस आ गया उसको यहाँ फिल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम। किसको मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम पूछा है, बेटा वो तो हमने पहले यूज कर लिया ना कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, खत्म हो गई उसकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा मास्क 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। 27 जो सॉलिड स्फीयर्स हैं, टू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सी यू टुमारो, टेक केयर।